अस्सलाम वालेकुम। हमारी लेक्चर सीरीज जारी है। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से। क्योंकि हमारे जो लेक्चर सीरीज है वो कुछ इस तरीके से चल रहे हैं कि कभी हम फर्स्ट ईयर कभी हम सेकंड ईयर की तरफ आते हैं, तो बीच में आप उनको फर्स्ट ईयर का जो है चैप्टर नंबर 7 हम करवा रहे थे वहाँ पर। अब जो यहाँ पर एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो 1.1 ही है, मगर क्वेश्चन नंबर 4 का जो रिमेनिंग पार्ट है, 4 तक हमने 3 तक किए थे, अब हम जो करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। अच्छा, इसका हमने डोमेन और रेंज फाइंड करना है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एंड स्केच द ग्राफ। फंक्शन कुछ इस तरह से है, x-3 का एब्सोल्यूट यानी मॉड। इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये एब्सोल्यूट फंक्शन है। फंक्शन के ऊपर मोड लगाया हुआ है तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट फंक्शन की हमें डोमेन और रेंज फाइंड करने हैं। इसका डोमेन और रेंज फाइंड करने से पहले आप लोगों को मैं एक इसको डिफाइन करूं कि एब्सोल्यूट फंक्शन या मोड फंक्शन होता क्या है। मॉडुलस फंक्शन एक्चुअली मॉडुलस फंक्शन है, उसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह से है। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो ये यानी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो, इसके ऊपर है मोड। ये किसके इक्वल होगा? ये खुद इसी एक्स की इक्वल होगा अगर इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, ये अगर एक्स की जगह पे जीरो आए, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इसका आउटपुट जीरो होगा। नोट रखें ये एक्स ग्रेटर देन जीरो ये इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो मैं इसको दे दूं मोड के अंदर, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो वही वैल्यू वापस आएगा यानी पॉजिटिव साइन के साथ। और यहाँ भी एक्स ग्रेटर देन जीरो मीन पॉजिटिव वैल्यू ही है। अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो जीरो आएगा। अगर इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, और ये जो इफ अगर मैं x इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लेस देन जीरो पुट कर दूं, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस एक्स आएगा, इसी x के नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू की जो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है। इसी फंक्शन को उसको हम यूज करते हुए इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हम ये वाले जो है फंक्शन के डोमेन और रेंज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगेन मैं रिपीट करूँ इस चीज को, अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास क्या आएगा? x, यानी वही x इधर ही आएगा। ये आउटपुट है, ये आपका इनपुट है, लिख के रखो इधर। ये आउटपुट होगा आपका रेंज और ये आपको होगा इनपुट। अगर x के जगह मैं जीरो रख दूं तो जीरो ही आएगा आंसर में। अगर x के जगह पे मैं लेस देन कोई जीरो से नेगेटिव वैल्यूज पुट कर दूं तो मेरे पास आएगा नेगेटिव वैल्यूज। आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि भाई मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आंसर निकाल के देगा, यहाँ पे कैसे नेगेटिव आंसर आए इधर? इसका मतलब ये है एब्सोल्यूट वैल्यू मीन ये हमेशा जो नेगेटिव आंसर को भी ये पॉजिटिव ही करेगा, मगर यहाँ पे नेगेटिव आने का मतलब ये है अगर मैं एक्स लेस देन एक्स पुट कर दूँ तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, मगर वो जो एक्स है वो मैं लेस देन जीरो पुट करने की वजह से उसका भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर प्लस में आपको आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लू यहाँ पे 5 लूंगा। इट मीन्स 5 का मैं नेगेटिव वैल्यू ले लू तो फिर ये क्या आएगा? ग्रेटर देन 5 के लिए या जो ग्रेटर देन 0 के लिए आएगा डायरेक्ट 5 ही आएगा आंसर, क्योंकि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन। अच्छा, इसका नेगेटिव वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है अगर मैं लेस देन 0 पुट कर दूं या इसको मैं x के जगह पे लिखूंगा 5, तो अब लेस देन 0 अगर मैं x को नेगेटिव 5 हो गया, नेगेटिव 5 पुट करने से अगेन मेरे पास क्या आएगा यानी लेस देन 0 के लिए नेगेटिव 5 पुट किया तो इसका एक और नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, इसलिए मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो माइनस एक्स में आ गया। यानी माइनस एक्स का मतलब यह है एक तो माइनस एक्स खुद इसके बाय डेफिनेशन माइनस एक्स है, यानी अगर एक्स लेस देन 0 रखे तो फिर ये एक्स क्या पुट करना है आपने? लेस देन जीरो ही पुट करना है ना। लेस देन जीरो का मतलब ये है कि नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा? ये पॉजिटिव।
सो इसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं, इसी डिफिनेशन को अप्लाई करके इसका डोमेन और रेंज फाइंड करने की कोशिश करेंगे. सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री. आप यहां पे क्या आना चाहिए, अभी हमने लिखा है एक्स के जगह पे एक्स माइनस थ्री, तो इधर आना चाहिए एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो की सूरत में हमारे पास क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री आएगा. इफ एक्स, यहां पे क्या लिखा मैंने, इधर x ग्रेटर देन जीरो लिखा, तो यहां पे मैं x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो लिखूंगा तो वो हो जाएगा माइनस थ्री, उस साइड पे चला जाएगा तो x ग्रेटर देन थ्री नंबर वन इज इक्वल टू. और ये अगर मैं x के जगह पे थ्री पुट कर दू, यानी x के जगह पे जीरो पुट कर दू, इफ x इज इक्वल टू जीरो, यानी x का मतलब क्या, हमारे पास x पूरा जो है x माइनस थ्री, इधर देखें यहां पे x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स है x इज इक्वल टू थ्री. तो ये जीरो होगा कब, जीरो होगा इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री. फिर एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो की केस पे देखते हैं, तो फिर ये हो जाएगा एक्स लेस देन थ्री, तो ये हो जाएगा. अब उसके हमें पता है कि एक्स अगर मैं लेस देन जीरो वाले पुट कर दूं तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए, बिल्कुल. तो फिर एक्स माइनस थ्री को हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स माइनस थ्री इफ x less than less than 3. यह आ गया आपके पास इसका जो है डेफिनेशन, यानी जो इसको प्रॉपर तरीके से हमने डिफाइन किया है. ये सारे आपके पास क्या है, ये है आउटपुट, और ये आपके पास क्या है, ये है इनपुट. इट मीन्स अगर इफ आई पुट x greater than 3 then the value of modulus function will be x minus 3. जो x इधर गिवन है वही x इधर भी आएगा. इफ वी पुट x इज इक्वल टू थ्री देन वील गेट द आउटपुट जीरो, इफ वी पुट x लेस देन थ्री देन वील गेट द आंसर आउटपुट माइनस x माइनस थ्री. यानी जो हमने इधर डेफिनेशन यूज किया बिल्कुल वही इधर ही किया. अब आप सोच रहे हो यहां पर नेगेटिव साइन के साथ क्या क्यों आया, हमें क्या होना चाहिए, हमें तो एब्सोल्यूट वैल्यू को जो आउटपुट है वो हमेशा पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए. अगर x लेस देन थ्री, मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर इधर दिखा दूं आप लोगों को, x लेस देन थ्री माइनस x माइनस थ्री तो है, अगर मैं x लेस देन थ्री पुट कर दूं यानी माइनस वन पुट कर दूं, लेस देन थ्री मीन क्या, लेस देन थ्री मीन टू पुट कर दूं, तो क्या आएगा, लेस देन थ्री टू पुट करने से टू माइनस थ्री माइनस वन, और ये माइनस 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 प्लस वन आ रहे पॉजिटिव, इट मीन्स ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू. मगर यहाँ पे आपको ये नेगेटिव होने से ही पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज फिर नेगेटिव होगा. देयरफॉर आप हमारा जो क्वेश्चन का पार्ट है वो यहां से है, ये डेफिनेशन है और एग्जांपल है आपके पास. अब इट मीन्स इसके जो डोमेन है वो ये सारे इनपुट इसका डोमेन है. डोमेन क्या है, एक्स ग्रेटर देन थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड एक्स लेस देन थ्री. तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ जी एक्स, ये क्या होगा, ये होगा थ्री भी इंक्लूड है और थ्री ग्रेटर, थ्री से ग्रेटर भी इंक्लूड है, थ्री से लेस देन वन. इट मीन्स ये तमाम रियल नंबर को कवर कर रहे हैं, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू थ्री, फिर एक्स थ्री से ग्रेटर, थ्री से लेस, जितने भी सारे रियल नंबर थे उन सबको कवर कर रहे हैं. देयरफॉर इंटरवल के फॉर्म में अगर हम डोमेन लिखूं तो फिर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इसका डोमेन है इन द सेंस ऑफ इंटरवल. और जो रेंज ऑफ द फंक्शन है ऑफ जी एक्स, ये क्या होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, एक्स माइनस थ्री एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसके अंदर जो भी रियल नंबर आप उसके अंदर पुट करें ये हमेशा नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव आंसर देगा. x इज इक्वल टू थ्री पर जीरो देगा, बाकी जितने भी सारे वैल्यूज आप इसमें पुट करो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा. तो इसका आंसर जीरो खुद भी इंक्लूड है, जीरो से आगे जितने भी इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक क्या होगा, इसका रेंज ऑफ g ऑफ x होगा.